आज का मौजू है कुर्बानी का गोश्त। इस सिलसिले में जब कुर्बानी का मौसम आता है तो लोगों की तरफ से बहुत सारे सवालात आते हैं कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में कि उसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। तो आज मुख्तसर अंदाज में कई सवालों को अपने जहनो दिमाग में रखते हुए उनका मैं मुख्तसर जवाब देना चाहता हूं। एक मुसलमान मर्द और औरत को, चाहे वो कुर्बानी कर रहे हों या ना कर रहे हों, उमूमी तौर पर मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि कुर्बानी का अहम तरीन मकसद अल्लाह ताला के परचम, उसके शायर, उसकी निशानियों को जाहिर करना और फकरा, मसाकीन, गरीब गुरबा, गरीब बेवा और ऐताम को खिलाना और लोगों के दिलों में इस अजीम तरीन दिन में गोश्त वगैरह के जरिए खुशियां दाखिल करना, ये कुर्बानी के मकासिद में से अहम मकसद है। गुरबा को, फकरा को, मिस्कीनों को, अपनों को, दूसरों को खिलाना, उनके दिलों में खुशी दाखिल करना। इसी वजह से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू इस्लाम में, इत्तदाए इस्लाम में, जब सहाबे किराम के यहां बड़ी गुर्बत और बड़ी नादारी थी, बहुत ही फकर फाका था, उस मौके पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर कुर्बानी के गोश्त 3 दिन से ज्यादा तक रखना हराम करार दे दिया था। शुरू इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घर में स्टॉक करके नहीं रख सकता था, वो 3 दिन के अंदर खाता, खिलाता और बांटता, ये शुरू इस्लाम के अंदर था, ताकि कुर्बानी का गोश्त ज्यादा से ज्यादा मिस्कीनों और जरूरतमंदों तक पहुंच जाए। यह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम का मकसद अव्वली था। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है कि सलमा बिन अकबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स कुर्बानी करे 3 दिन के बाद उसके घर में कुछ बाकी ना रहे। ये शुरू इस्लाम की बात थी। तुम में से जो शख्स कुर्बानी करे 3 दिन के बाद उसके घर में कुछ बाकी ना रहे, यानी कुर्बानी का पूरा गोश्त गुरबा में, मिस्कीनों में, नादारों में तकसीम कर दिया जाए। तो जब अगला साल आया तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम, हम वैसा ही करें जैसे पिछले साल किया था, यानी जिस तरह गुज़िश्ता साल, पिछले साल हमने कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन के अंदर बिल्कुल बांट बूट के खा पी के बराबर कर दिया था, वैसे ही करें ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हुक्म को कंसिडर करके, मंसूख करके फरमाया कि खाओ यानी खुद खाओ, खिलाओ यानी खिलाओ दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पास पड़ोस वालों को, गुरबा को, मसाकीन को, फकरा को खिलाओ और स्टॉक करो, जखीरा अंदोजी करो। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने फरमाया, क्योंकि पिछले साल लोगों को तंग दस्ती लाहिक थी, इस वजह से
मेरी ख्वाहिश थी कि तुम लोग इस हालत में लोगों की मदद करो, लोगों की इयानत करो, लोगों की ख्वाहिश को पूरी करो। ये इस वजह से मैंने ऐसा कहा था। ये सही मुस्लिम की, सही बुखारी की रिवायत है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि यकीनन इस साल लोग मशक्कत और तंगदस्ती में थे, उस साल लोग मशक्कत और तंगदस्ती में थे, तो मैंने चाहा कि कुर्बानी का गोश्त लोगों तक पहुंच जाए। ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायतों से ये बात साफ जाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को, जिन हजरात को, चाहे वो मर्द हों या औरतें, कुशादगी दी है, उसाद दी है, मालदारी दे रखी है, वो नादार, गरीब, मिस्कीन, गरीब ऐताम, गरीब बेवाएं, चाहे अपने मुल्क में हो चाहे दूसरे मुल्कों में, अपने भाइयों को किसी तरह गोश्त खिलाने की कोशिश करें। हाँ, गोश्त खासतौर पर ऐसे घर या ऐसे लोग या ऐसी जगहों के लोग जहां कभी कभार गुर्बत की वजह से, फक्र फाका की वजह से, नादारी की वजह से, मोहताजी की वजह से कभी कभार गोश्त मिलता है। लिहाजा कुर्बानी का गोश्त आप क्या करें, आप ये करें कि खुद खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, दोस्त अहबाब को खिलाएं और गरीब व मिस्कीन को खिलाएं, चाहे वो मांगने वाले हो या मांगने वाले ना हो। बास ऐसे गरीब समाज के अंदर पाए जाते हैं कि बेचारे वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हालांकि वो महीनों से गोश्त की खुशबू नहीं पाए हैं, लोग उनके घरों में नहीं पहुंचाते। होना ये चाहिए कि कुर्बानी को गोश्त में गरीबों का हिस्सा हो, चाहे वो गरीब मांगने वाले हो या ना मांगने वाले हो, खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं। और ये भी बात मालूम हुई कि आदमी कुर्बानी के गोश्त में खुद खाए, दूसरों को खिलाए, अब दूसरे रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, साथी हो, पड़ोसी हो, फकीर, मिस्कीन, तंगदस, गरीब, नादार लोगों का खास ख्याल रखे और उसको बतौर स्टॉक रख भी सकता है। सुबह इस्लाम में 3 दिन से 3 दिन के अंदर खत्म करना जरूरी था। अब आदमी चाहे तो इन लोगों को शरीक करने के बाद जितना मुनासिब समझे वो अपने लिए अपने फ्रीजर में रख भी सकता है, जायज है। इस सिलसिले में एक जाहिलाना फतवा लोग दे देते हैं, आवाम रोड साफ छाप फतवा, अरे फलाने बस 15-20 किलो का बकरा किया, 5 किलो बांटा, बाकी सब फ्रीजर में रख लिया। तो उसने अर्ज क्या किया भाई, अल्लामा इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगर कोई शख्स अपने कुर्बानी के जानवर में 2-2.5 किलो गुरबा मसाकीन नादारों को दे दे, पूरा खा ले, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, खाओ, खिलाओ, वदखिलो और स्टॉक करो। तो लिहाजा ऐसा ना हो कि हम गुरबा और मसाकीन को भूल जाए और सारा का सारा बकरा रख लें, और ऐसा भी ना हो कि घर वाले खाने ही को ना पाए, सारा का सारा बांट दिया जाए। इस सिलसिले में कुछ उलमा ने यह भी बात कही कि अफजल और बेहतर यह है, देखा जाए तो कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा कर लिया जाए, बेहतर है कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा कर लिया जाए। और यह बतौर मशवरा है, बतौर हुक्म नहीं है कि नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं है। एक हिस्सा खुद अपने लिए, दूसरा हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए, और तीसरा हिस्सा आदमी दूसरों के लिए देने, हदिया और तोहफा के लिए। अब ये हिस्से आदमी रखेगा, मिसाल के तौर पर कुर्बानी के लिए आपने 3 हिस्सा किया कुर्बानी का गोश्त का, क्या पहला एक हिस्सा खुद अपने इस्तेमाल के लिए, अब चाहे आप उसी दिन इस्तेमाल कर लें चाहे बाद में इस्तेमाल करें, दूसरा हिस्सा तोहफा तहाइफ के लिए,
हदिया तोहफा के लिए, तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकिन में बांटने के लिए। अब ये तीन हिस्सों को आप देखें, आप ये जो अवाम में राइज है कि तीनों हिस्से बराबर बराबर होना चाहिए, इसकी कोई सही दलील मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है। तीन हिस्सा कर लिया जाए, अब इसमें लोगों के देख, अगर गुरबा ज्यादा है तो उनका हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, रिश्तेदार हदिया तोहफे वाले ज्यादा हैं तो उनका ज्यादा हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, घर के अफराद ज्यादा हैं तो उनका हिस्सा ज्यादा कर लिया जाए, मगर तीनों पार्टी के लोगों को गोश्त मिल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कुलू खाओ, भाई तो है नहीं कि सारा बार दो घर वाले खाने ना पाए। अल्लाह के रसूल अकरम ने हजतुल अदा के मौके पर सो ऊंट किया था और हर ऊंट में से थोड़ा थोड़ा काट के पकवाया था, खुद खाया था, ये सुन्नत है, खुद खाओ। वह अतिमु और खिलाओ, किसको खिलाओ, दोस्त अहबाब को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, पास पड़ोस को खिलाओ, गुरबा को खिलाओ और पड़ोसी मसाकिन को खिलाओ। और तीसरा क्या, जखीरा अंदोजी करो। और अगर कोई शख्स थोड़ा छोड़कर कुर्बानी का पूरा गोश्त खुद खा ले तो भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उसने दो ढाई किलो आदमी सदका कर दिया, गुरबा मसाकिन को खिला दिया, बाकी पूरा खा लिया, घर वाले मिलके खा लिए, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। अलबत्ता इससे बहुत बड़ा अजर सवाब फौत हो जाएगा, क्योंकि इस दिन गरीबों के दिलों में खुशी दाखिल करना खास तौर पर बहुत ही। और अगर कोई शख्स इसी तरह, अगर कोई पूरा का पूरा फकरा और मसाकिन में तकसीम कर दे तो भी जायज है, जायज है, पूरा का पूरा बकरा गरीबों में, मिस्कीनों में, नादारों में तकसीम कर दे तब भी जायज है। मगर अफजल और बेहतर यह है कि हदीस पर अमल करते हुए खुद खाएं, खुद भी खाएं, घर वाले भी खिलाएं। लिहाजा मेरे भाइयों, कुर्बानी का गोश्त का सही तरीका कुरान और हदीस की रोशनी में, खुद खाइए नंबर एक, यानी खुद खाइए, अपने मातहत आपके मातहत घर वाले खाए, नंबर दो स्टार्ट कीजिए, नंबर तीन खिलाइए, चाहे वो गुरबा को, मसाकिन को और नादारों को। अलबत्ता खाली मालदारों को खिला देना और गरीबों को भूल जाना ये कतान गैर मुनासिब बात है। कुर्बानी के गोश्त में से दूसरा मसला जान लीजिए, कुर्बानी के गोश्त में से ना ही कुछ बेचना जायज है और ना ही किसी फायदे के मुकाबले में किसी माली बदले में देना जायज है। कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का चमड़ा, कुर्बानी की चर्बी, उसका बेचना जायज नहीं है या बतौर मजदूरी देना जायज नहीं है। खाएंगे, हदिया तोहफा देंगे, खिलाएंगे, अपनी जरूरत के लिए रखेंगे, गरीब गुरबा को देंगे। चुनाचे कुर्बानी के गोश्त का बेचना हराम और नाजायज है। किसके लिए, ये भी जान लीजिए, जो कुर्बानी कर रहा है वो उसे बेच नहीं सकता, माली मजदूरी में नहीं दे सकता, माली कर्ज की अदायगी नहीं कर सकता, कसाई वगैरह को नहीं दे सकता। कौन, ये भी जान ली, जो कुर्बानी कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कुर्बानी कर रहा हूं तो मैं अपने कुर्बानी के जानवर के गोश्त को मजदूरी के तौर पर कसाई वगैरह को नहीं दे सकता, बेच नहीं सकता, माली मुकाबिल में हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो गोश्त मैंने जैद को बतौरे तोहफा दिया और उस डेढ़ किलो गोश्त का मालिक जैद हो गया और वो डेढ़ किलो गोश्त जो मैंने अपने बकरे में से दिया है वो उसके लिए गिफ्ट और तोहफा है, वो चाहे खाए, चाहे खिलाए और चाहे बेच दे, वो बेच सकता है, क्योंकि वो कुर्बानी का गोश्त जो डेढ़ किलो मैंने जैद को दिया है ये जैद के कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं है, ये भी जान लीजिए। आपने मुझे पूरा बकरा कुर्बानी किया, आपने अपनी तरफ से या किसी की तरफ से
पूरा का पूरा बकरा आपने मेरे घर पहुंचा दिया। मैंने क्या किया, कुछ खाया, कुछ बांटा और कुछ बेच लिया, नकद कर लिया, तो क्या हराम हो जाएगा? कतान हराम नहीं होगा, जायज होगा, क्योंकि वो एक बकरा जो आपकी तरफ से आया है वो मेरी कुर्बानी नहीं है, लिहाजा ये भी जान लीजिए। तो कुर्बानी का गोश्त बेचना या कसाई को मजदूरी में देना ये हराम होना जायज है। कसाई या लाने वाले या उसको जो है चारा पानी देने वाले या उसकी निगरानी करने वाले बतौर मजदूरी कुर्बानी के गोश्त को देना जायज नहीं है कि आया है कसाई उसको बतौर मजदूरी दे दो या जो देख देख कराता है उसको बतौर मजदूरी दे दो। हाँ, तोहफा के तौर पर, हदिया के तौर पर उसको देना जायज है, लेकिन मजदूरी के तौर पर उसको देना कतान हराम और नाजायज है। ये बात समझना है ना, कुर्बानी का गोश्त आप अपने जानवर के कुर्बानी का गोश्त नहीं बेच सकते, चमड़ा भी नहीं बेच सकते, चर्बी नहीं बेच सकते, या खाओ या तोहफा दो या खिलाओ, बस। एक सवाल अक्सर आता है इन दिनों में, काफिर को कुर्बानी का गोश्त बतौर तोहफा देना जायज है कि नहीं? इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम, दीन इस्लाम ये उसअते कल्बी सिखाता है, कुशादगी, दिल कुशादा करने की तालीम दिया है मुख्तलिफ मौके पर। काफिर को कुर्बानी का गोश्त बतौर तोहफा देना जायज है अगर वो हरबी नहीं है, यानी आपसे मुसलमानों से जंग करने वाला नहीं है। अगर मुसलमानों से जंग करने की शक्ल है तो उसको देना जायज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में तो ऐसा मामला है, नहीं, ऐसा हर जगह ऐसा मामला नहीं है। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं जो मुसलमानों के साथ जंग करना या मुसलमानों को हलाक और बर्बाद करने की नीयत और इरादा नहीं रखते हैं। तो अगर हर भी नहीं है, मुसलमानों से जंग करने वाला नहीं, तो उस ऐसे गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज है। अलबत्ता अगर हरबी है, जंग करने वाला मुसलमानों से जंग की तैयारी में है, मैदान जंग में आए, तो उसे देना जायज नहीं होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिन्त अबी बकर, हस्ते अबू बकर की बेटी अस्मा रबी अल्लाह अनहा को अपनी अम्मी के साथ सिला रहमी करने का हुक्म दिया था। हस्ते अस्मा अल्लाह के रसूल अकरम की खिदमत में आई और कहीं कि अल्लाह के रसूल मैं अपनी वालदा के साथ ये मामला करो, अल्लाह के रसूल अकरम ने कहा हाँ करो। ये बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम की शरीफ की रिवायत है और सऊदी फतवा कमेटी का ये फतवा है कि गैर मुस्लिम अगर हरबी नहीं है तो उसको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। बल्कि मैं अपनी तरफ से यहां एक बात कहूंगा, जरा केयरली आप लोग सुनिए, गैर मुस्लिम अगर पड़ोसी है और हरबी नहीं है तो उसे दिया जाएगा, जंगजू जंग नहीं कर रहा, आप समझिए। आपके गैर मुस्लिम दोस्त लोग हैं जो हरबी नहीं है उनको दिया जाएगा। गैर मुस्लिम को गोश्त देने से, कुर्बानी का गोश्त देने से, अगर वो इस्लाम के बारे में अपनी नफरत और दुश्मनी कम कर ले, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में जो पेश रहता है कम कर दे, या गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देने से वो इस्लाम को समझने की कोशिश करेगा, मुसलमानों के अखलाक और किरदार को जानने की कोशिश करेगा, तो उसको लाजमी तौर पर देना चाहिए। ये कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों के दिलों को जीतने के लिए है, उनके शर से बचने के लिए है, या उनके हुकूक में से जैसे पड़ोसी हैं तो बिल्कुल देना जायज है, बस शर्त यह है कि वो हरबी ना हो। ऐसा नहीं कराम, हम और आप चंद और बातें जान ले कि गोश्त के साथ साथ चमड़े का भी बेचना जायज नहीं है। हमारे यहां जो ये राज है कि कुर्बानी के जानवर का चमड़े बेच देते हैं, नहीं बेच सकते हैं, बाय करने से अल्लाह के रसूल ने मना किया। होना ये चाहिए कि वो कमेटियां, वो मदरसे जो कुर्बानी अमानतदार हैं, कुर्बानी के चमड़ों को जमा कर रहे हैं,
उनको जैसे गोश्त देते हैं ऐसे ले जाकर के चमड़ा दे दे। अब वो लोग जैसा चाहे उसमें तसर्रुफ करें, या अपने चमड़े को आप मुसल्ला बना ले, ये भी जायज है, या अपने चमड़े को गाय की सीट बना ले, अपने कुर्बानी के जानवर को गाय की सीट बना ले, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के सारी चीजों का हुक्म वही है जो कुर्बानी के जानवरों के गोश्त का हुक्म है। एक बात ये जान लीजिए। दूसरी अहम तरीन बात, बहुत सारे लोग खासतौर पर कठमुल्ले ये फतवा दे देते हैं कि कुर्बानी के जानवर का पचौनी जिसको कहते हैं चुस्ता और पचौनी और मैदा भौड़ खाना मकरूह है, उनकी यह बात मकरूह है, उनका ये फतवा नापसंदीदा है। आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहके ज़बह किया, चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो या कोई ऐसा हलाल जानवर जिनको आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहके ज़बह किया, बिला शुबहा उसका पाखाना और पेशाब के अलावा और ज़बह करते वक्त जो खून बहता है धारे के साथ जिसको दमे मस्बूह कहते हैं, उसके अलावा उसका हर चीज खाना इस्लाम ने जायज करार दिया है। वो जायज जायज है, आपका दिल नहीं कहता, आपका मिजाज गवाला नहीं करता, ना खाइए वो अलग बात है, लेकिन जायज है। इल्ला मादा कैतुम का लफ्ज है कल्बे मुअल्लम के बारे में। तो बहरहाल कुर्बानी का जानवर हो या कोई और जानवर हो, उसका बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहके ज़बह करने के बाद क्या क्या खाना हराम है, हराम है हराम। एक तो जो ज़बह करते वक्त खून बहता है वो, दूसरा पाखाना जो लीद निकल आता है, तीसरा पेशाब, खास पाखाना मटेरियल, पेशाब मटेरियल मादा, बाकी सारी चीजों का खाना जायज है। आप उसका चमड़ा भी खा सकते हैं, आप उसका खुशिया जिसको हमारे यहां फोता या पेलर कहते हैं वो भी खा सकते हैं, आप चर्बी खा सकते हैं, आप आंत और भौड़ मैदा को या चुस्ता को साफ करके पाखाना पेशाब से बिल्कुल क्लीन करके साफ करके उसको भी खा सकते हैं और खाना जायज है। जो लोग कहते हैं ये मकरूह है, उनकी ये बात मकरूह है। लिहाजा कुर्बानी के जानवरों की ये पचौनी जो होती है, चुस्ता जो होता है, मैदा भोर जो होता है या खुशिया जो होता है, ये भी अगर कोई खाना चाहे तो बिल्कुल खाना हलाल जायज और दुरुस्त है, और ये कोई नापसंदीदा चीज या हराम चीज या मना की हुई चीज नहीं है। या आप खाएं या किसी को तोहफे में दे दें। हम तो ये कहेंगे कि अगर मुसलमान समाज के अंदर अगर कोई ऐसे गरीब लोग हैं जो ये आते हैं और भोर में मैदा और चुस्ता या खुशिया फोता वगैरह खाना पसंद करते हैं, और आप अगर उसको ले जा करके फेंक देंगे तो यकीनन आप गुनहगार होंगे, आपने नाजायज काम किया। एक ऐसी जायज चीज जिसका खाना जायज है आपने उसे फेंक कर एक नेमत को जाया और बर्बाद किया। खुद खाइए या किसी दूसरे को खिलाइए, उसका अगर कोई खाने वाला नहीं है, आते वगैरह या कोई उसे इस्तेमाल करने वाला नहीं है, तब और आप भी उसको खाना आपको भी अच्छा नहीं लगता तो दूसरी बात है, वरना उसका फेंकना जायज नहीं। कलेजे क्यों खाते भाई, फेफड़ा में क्यों खाते हैं, चर्बी क्यों खाते हैं, पेशाब के रास्ते पर या जो मैदे पर चर्बी रहती है वो खाते कि नहीं खाते, बल्कि बहुत सारे लोग रख देते हैं ठंडी के दिनों में पूड़ियां तल तल करके खाते हैं। तो ये बात जान लीजिए कि आते हैं मैदे चुस्ते फोता खुशिया जिसको कहते हैं, ये चमड़ा चमड़ा भी खाना जायज है। बड़े ताज्जुब की बात है, इन सारे पदों पर जाके दुकानों पर देखो तो लोग कहते हैं पाया है, हाँ है, कौन वाला है, चमड़ा वाला है कि बिना चमड़ा, चमड़े वाला, हाँ हाँ वही मुझे चाहिए क्योंकि चमड़े वाला लजीज ज्यादा होता है। ये बात जान लीजिए। इसी तरीके से कुर्बानी के गोश्त के बारे में
एक और आम चीज राइज है अवाम में, जो कि मेरे ख्याल में बेदलील बेबुनियाद है। वो ये है कि ये अक्सर लोगों के यहां कि कुर्बानी के जानवर को जबह करने के बाद उसके खून को दीवारों में या घर के किसी कोने पर क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए। ये बात गलत है, बदअकीदगी है। जो जबह करने के बाद खून बहता है वो खून नापाक है, हराम है। उसको ले जाओ कहीं फेंक दो, कोई जानवर वगैरह खा ले, कुत्ते वगैरह खा ले, वो किसी इंसान के लिए खाना जायज नहीं और उसको कहीं लगाना जायज नहीं, वो नापाक और हराम और नाजायज है। इसी तरीके से बाद जगहों पर यह बात राइज है कि कुर्बानी के जानवर को खरीदने के बाद लोग माला पहना करके, फुलरा पहना करके, फूल वगैरह पहना करके उसको गली गली घुमाते हैं। कितने में लाए जनाब? 16,000 में लाया हूं, रियाकारी दिखावा। या बहुत सारे लोग जबा करने से पहले उसको नहलाते हैं। अरे भाई, अगर कुर्बानी के जानवर में पहले से कोई बदबू बदन में आ रही है तो बदबू को खत्म करने के लिए आप नहला दीजिए, लेकिन इस नाते कि कुर्बानी का जानवर है लिहाजा इसको बिना नहलाए हम जबा नहीं करेंगे, ये बात बेबुनियाद, हराम और नाजायज बात है। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी चीजों से मामून और महफूज रखे और सुन्नत रसूल अकरम सल्लम के मुताबिक कुर्बानी करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलि व सहबी अजमईन व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।